जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। काफी उलझे हुए हैं राजस्थान पुलिस के पेपर आउट होने के अंदर। आधे हैं जो अपनी तैयारी के अंदर वापस लग गए होंगे, आधे अपने पेपर जो पास होने की उनको संभावनाएं हैं वो अपने फिजिकल में लग गए होंगे। बहुत सारी भर्तियां आ रही है, तो जैसा जैसा जिसका टारगेट है वो अपने टारगेट में बिल्कुल तय दिल से लगा हुआ है। लेकिन ज्यादातर जो युवा है वो राजस्थान पुलिस का जो पेपर आउट हुए हैं इसी के अंदर ही उलझे हुए हैं। तो मैंने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहा था और आज मैं फिर से बता रहा हूं कि आप उलझनों से बाहर आ जाइए। एक पेपर आउट हो गया तो बहुत सारे भाइयों के तो ये कमेंट आ रहे हैं कि सर पेपर आउट हो गया, हर बार पेपर आउट हो रहा है तो हमारा सिलेक्शन तो होगा नहीं, खाली पैसे वाले का सिलेक्शन होता है। अरे मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, मैं पहले भी पूछना चाह रहा था कि जिसके पास अगर नौकरी लगने के लिए अगर पैसा देने के लिए है तो वो फिर नौकरी लग के क्या करेगा? उस पैसे से तो कोई धंधा स्टार्ट हो जाएगा और अच्छा खासा खुद का सेल्फ डिपेंडेंट धंधा स्टार्ट हो जाएगा। क्या जरूरत है मुझे बताओ नौकरी की? एक पेपर आउट हुआ है और उस पेपर आउट हुआ जिसके ऊपर निर्णय भी आ गया, आप बाकी की अपनी खुद की कमी छुपाने के लिए आप एक बहाना पकड़ के क्यों बैठे हुए हैं? हाँ हो गया है अगर पेपर आउट तो कोई बात नहीं, उसका वापस करवाने के लिए बोल दिया गया है। और आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि भर्ती पूरी भर्ती के अंदर खाली पैसे देने वाले ही पैसे देकर ही आदमी नौकरी लगे। बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे अभ्यर्थी तो मुझे खुद को बोल रहे हैं कि सर आप अभी अगर पेपर देते तो आपको पता चलता। अरे किसने बोला तुम्हारे में से कि मैं अभी पेपर दे नहीं रहा हूं? अगर जितना आप बोल रहे हो ना उतना अगर आप करके दिखाओ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर लगाओ मेरे से होड़, और अगर किसी को तैयारी करना भी है तो वो लगाए मेरे साथ होड़, मैं करूंगा आप लोगों के साथ में तैयारी। और फिर बाकी अभी जो चल रहे हैं ये अगर मामला अगर आगे भी चलता रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम पेपर पास करेंगे। कैसे नहीं होता देखे पेपर पास? दोस्तों मैं पहले भी आपको यही बात बताता था, अभी भी यही बात बता रहा हूं, जो मेहनत करने वाला है, जिसका टारगेट फिक्स है, जो अपने टारगेट के ऊपर फोकस करके बैठा हुआ है, उसके लिए ये चीजें मायने नहीं रखती। आपका एक बार अगर मान लो पेपर अगर आउट हो गया, ऐसा कुछ हो गया तो जरूरी नहीं है कि वो बार बार होगा और आप उसी चीज को पकड़ के नहीं बैठ जाओ। अगर आप मुझे बताओ ये बात अगर पकड़ के बैठे हुए कि पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया आप तो हम तैयारी नहीं करेंगे, पेपर आउट हो गया आप तो हम तैयारी नहीं करेंगे, मुझे बताओ कौन है आपको बोलने वाला कि नहीं यार पेपर आउट नहीं हुआ है और तू है जो उठ के तैयारी कर ले आराम से तेरी आगे वाली भर्ती के लिए? कौन बोलने वाला है? अभी तक बोला है कोई 15 दिन के अंदर तो मुझे बताओ। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, आप अपनी पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, आपके जो सामने आपके जो भर्तियां हैं आप उनकी तैयारी कीजिए। ये मसले चल रहा है तो अपने आप इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इसके अंदर अगर नहीं बोलेंगे तो भी होगा और अगर बोलेंगे तो भी होगा, जैसे आगे हुआ था 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट के अंदर। जो तैयारी करता है, जो मेहनत करता है, जो दिल से जिसके अंदर लगन है वो कभी भी इन बातों के बारे में नहीं सोचता है कि पेपर हार्ड आया, टाइम कम मिला या नहीं मिला, अभी ये चीजें हो रही है, पहले ये चीजें नहीं होती थी या बाद में ये चीजें होंगी या नहीं होंगी। उसका टारगेट एक ही होता है कि मुझे तैयारी करना है और मेरा सिलेक्शन लेना है, चाहे उसके लिए कितनी भी परेशानियां, कितनी भी बाधाएं, कितनी भी समस्याएं आए। कितनी भर्तियां आप लोगों के सामने है मुझे बताइए, बहुत सारी वैकेंसी आप लोगों के सामने है। ये नहीं कि आपकी खाली राजस्थान पुलिस ही आपका सारा था और जो पेपर आउट हो गया और उसका पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अब आप नौकरी नहीं लगेंगे। हजारों भर्तियां आपके सामने है, अगर आपको तैयारी करने वाला होना चाहिए। जो राजस्थान पुलिस के लिए तैयारी करके अगर इतने बात बोल सकता है वो दूसरी भर्ती की तैयारी करके उसका भी पेपर निकाल सकता है। और अगर ये दम आप लोगों के अंदर है तो ये दिखाइए आपके की आने वाली भर्ती के अंदर, दिखाइए अपने पेपर के अंदर। नेकी जो ऊर्जा आप लोगों के अंदर है उसको वेस्ट कीजिए आप इस वाहबो के अंदर, इस उलझन के अंदर। इससे बाहर आकर आपके जो भी अंदर जज्बा है, जो आपके अंदर मेहनत करने का जो हुनर है वो आप अपने पेपर में दिखाइए आगे, ताकि किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पेपर आउट हो गया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पेपर हार्ड आया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पेपर लेंथी आया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लोग खुद बोलेंगे कि कितना भी पेपर हार्ड आया लेकिन इसने मेहनत की थी इसका सिलेक्शन हो गया। अपने आप को यहां से थोड़ा बाहर निकालिए, अपने आप को यहां से थोड़ा ऊपर उठाइए। कोई नहीं पूछता आपके ये बहाने कि पेपर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जब जिस दिन सक्सेस होती है, जिस दिन पेपर का रिजल्ट आता है, यही बोलता है कि कौन पास हुआ कौन फेल हुआ।
फेल होने वाले को भी ये कोई नहीं पूछता कि तू फेल क्यों हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे सामने आई थी। और अगर किसी को पूछा आज तक तो बताइए मुझे एक बार कमेंट करके, आप बताना मुझे पेपर फेल होने के बाद में कितने आदमियों से पूछा है किसी ने कि तुम्हारे फेल होने के रीजन क्या था बताइए। और कोई आपके साथ में सिंपैथी अगर अपनी दिखाई हो तो बताना कि यार कोई बात नहीं, हाँ पेपर हाथ आया था इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। सब यही बोलेंगे कि बहाने बना रहा, इसके साथ पढ़ने वाला लड़का पास हो गया और ये पास नहीं हुआ इसलिए ये बहाने बना रहा। कोई नहीं बोलेगा कि ये प्रोटेस्ट कर रहा था इसके पेपर आउट हो गया इसके लिए। कोई नहीं बोलेगा कि ये वहां पर लगा हुआ था अपने पूरे दिल दिमाग से पूरे अपने जोश आवाज से पेपरों को रद्द करवाने के अंदर। आपको नहीं, आपकी सक्सेस को पूछती है दुनिया। तो आप इसे बाहर निकल जाइए और निकल के अपनी तैयारी कीजिए, अपना फोकस कीजिए अपने टारगेट के ऊपर। बहुत सारी भर्तियां आप तो, आपका इंतजार करिए। काफी सारे अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिनके फॉर्म फिलअप किए हुए 15 दिन 20 दिन बाद में एग्जाम है, लेकिन उस एग्जाम की उनको चिंता नहीं है। चिंता यह है कि जो पेपर हो गया वो आउट हो गया, उसके लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे जो हो गया वो हो गया, वो आपके भी बस में नहीं है, किसी के बस में नहीं है। लेकिन जो आगे आने वाला पेपर है वो तो आपके हाथ में है। होने दो कितने दिन आपके सामने परेशानी आती है, होने दो कितने दिन पेपर आउट होते हैं। आपकी अगर मेहनत सच्ची है, आपकी अगर लगन सच्ची है, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूं कड़वी बात थी, आपको दिल में लगी होगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सक्सेस ही मायने रखती है और आपकी सक्सेस ही सबके सामने दिखेगी। उठिए, जागिए और लगिए अपने टारगेट के अंदर। जय हिंद, जय भारत।